मुझे लगता है कुछ लोग जाति के नाम से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोग संगठन के नाम से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में उनकी और कोई मंशा हो सकती है और दूसरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी और कोई मंशा हो सकती है। राजनीति में कहते हैं कि टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन मांगने के बाद उसको मानना भी उस कार्यकर्ता का दायित्व है। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सभाओं की जिम्मेदारी के नाते प्रदेश कार्यालय में पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है। भाई सरवण जी ने मुझे दो तीन बार कहा मुझे आपके बीच आना है। मेरा भी बहुत मन करता था कि जहां अव्यवस्थाएं शुरू में खड़ी होती वो बाद में जाते धीरे 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 वो समाहित होते हुए एक सही दिशा ले लेती है, लेकिन वो सही दिशा लेने में यदि मेरी भी कहीं भागीदारी हो सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो उसकी काम करने की शैली भी दूसरी प्रकार की होती है, लेकिन मैं आज जब कार्यालय में आया तो सरवण जी ने संकल्पबद्ध होकर एक बात कही, मैं आप सबके बीच उस बात को रखना चाहता हूं। गांगियासर गांव में आयोजित इस चुनावी सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने पर आ रहे हैं भारत सरकार के मंत्री सम्मान्य अर्जुन जी मेघवाल साहब, सीकर के लोकप्रिय सांसद स्वामी सुमेरानंद जी, आप सबके लाडले और जिनके जीवन में कर गुजरने की एक ललक दिखाई देती है, ऐसे आपके प्रत्याशी सम्मानीय सरवण चौधरी जी, भाई महिपाल जी, भाई महावीर हुड्डा जी, सम्मानीय जगदीश जी, मंच पर उपस्थित अन्य सारे नेतागण इस सभा में पधारे हुए समस्त बुजुर्गगण युवा साथियों उपस्थित मात्र सकते, मैं सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सम्मानीय अर्जुन जी का इस बात का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी दीपावली की रामनवमी के दिन किसी सांसद का किसी मंत्री का अपने मुख्यालय पर जनता के मिलने का इतना कार्यक्रम रहता है, इस सब कार्यक्रम के बावजूद आपने अपना महत्वपूर्ण समय फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र को दिया, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे आपसे विशेष रूप से दो बातों का आग्रह करना है। चुनाव की जब परिस्थिति पैदा होती है, सम्मानीय अर्जुन जी राजस्थान का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में करते हैं और जब चुनाव का निर्णय होता है तो प्रत्याशियों के निर्णय में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने इस विधानसभा क्षेत्र को जो प्रत्याशी दिया है, राजनीति में कहते हैं कि टिकट मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन मांगने के बाद उसको मानना भी उस कार्यकर्ता का दायित्व है। मुझे लगता है कुछ लोग जाति के नाम से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोग संगठन के नाम से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में उनकी और कोई मंशा हो सकती है और दूसरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी और कोई मंशा हो सकती है। हमें किसी बातों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए एक ही दिशा है और वो दिशा है कमल का फूल। हम सबको मिलकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने की आवश्यकता है। मुझे सम्मान्य अर्जुन जी और प्रदेश की टीम ने प्रदेश भर में होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सभाओं की जिम्मेदारी के नाते प्रदेश कार्यालय में पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है। कई सरवण जी ने मुझे दो तीन बार कहा मुझे आपके बीच आना है। मेरा भी बहुत मन करता था कि जहां अव्यवस्थाएं शुरू में खड़ी होती वो बाद में जाते धीरे 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 वो समाहित होते हुए एक सही दिशा ले लेती है, लेकिन वो सही दिशा लेने में यदि मेरी भी कहीं भागीदारी हो सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि आने वाले दो तीन दिन में आपको फतेहपुर की तस्वीर आज जहां खड़ी दिखाई दे रही है उसे बहुत श्रेष्ठ दिशा में खड़ी दिखाई दे। पार्टी के लोग एक मन होकर एकजुट होकर ये सीट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा लगता है। मुझे आपसे इतना आग्रह करना है कि कोई व्यक्ति जब चुनाव मैदान में आता है तो बहुत छोटा समय होता है, और जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो उसकी काम करने की शैली भी दूसरी प्रकार की होती है। लेकिन मैं आज जब कार्यालय में आया तो सरवण जी ने संकल्पबद्ध होकर एक बात कही, मैं आप सबके बीच उस बात को रखना चाहता हूं कि मैं मेरे काम को मेरे बच्चे संभालेंगे और मैं मेरा पूरा समय मैं इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए दूंगा। ये बात अपने आप में हम सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि व्यक्ति केवल विधायक बन जाए इस मंशा से आपके बीच नहीं आया है। आप विधायक तो इसको बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन ये विधायक बनने के बाद आपकी सेवा के लिए आपके बीच में सदैव रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सम्मानीय अर्जुन जी और सम्मानीय स्वामी जी को सारी बातें आपके बीच करनी है। मैं तो इतना आग्रह अंत में करूंगा कि आप सब अपने आप को श्रवण चौधरी मानते हुए, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हुए इस संकल्प को पूरा करने के लिए 25 तारीख को शाम मतदान के अंतिम समय तक अपना पूरा समय इस काम के लिए देंगे। और मैं ये भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही वह है जो चुनाव के समय तारीख बदलने के बाद सोता है, रात की 12 बजे तक लोगों के बीच रहकर काम करता है। ऐसा इस प्रांगण में बैठा प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव तक करेगा, ये निवेदन करता हुआ मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।